वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन कुआलालंपुर और आज हम बहुत जल्दी रेडी हुए हैं बिकॉज हमें जाना था आज बाटू केव्स। सो आज अभी सुबह 9 भी नहीं बजे हम रेडी हो गए, नीचे आ भी गए। आगे हम 11 बज रहे थे लेकिन आज हमने सबसे फास्ट रेडी हुए हैं। मायरा बनी हुई है दीपाली में। मायरा में भी ना जोश आता रहता है अलग अलग तरह का। अभी हम ग्रैब में बैठ चुके हैं और अभी हम चलेंगे बाटू केव्स और सुबह सुबह बारिश होकर हटी है अभी भी। सो फाइनली वी हैव रीच बाटू केव्स टेम्पल। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बाटू केव्स टेम्पल है, ये फेमस यहाँ का स्टैचू है। तो वहाँ से बाटू केव्स स्टार्ट रहती है जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है। और इसकी जो टाइमिंग से डेली ओपनिंग टाइमिंग वो रहती है सुबह 6:45 से लेके रात 9 तक ये ओपन रहता है। इसके अंदर अलग अलग केव्स है जिसकी अलग अलग टाइमिंग्स है, बट जो मेन टेम्पल है वो रात 9 तक खुला रहता है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट आउटसाइड द बाटू केव टेम्पल और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाटू केव टेम्पल। ये सारी की सारी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई मेन टेम्पल को और साथ ही में स्टैचू ऑफ लॉर्ड मुर्गन जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू में हिंदू डायनेटरी का आता है, जो कि है 40 meters का स्टैचू है ये। और टोटल जो स्टेप्स है वो पीछे आप देख रहे हो वो है 272 स्टेप्स, मतलब 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ के जाना पड़ता है। मतलब टोटल जो नंबर है इनका वो है 272। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर मेन टेम्पल तक जाना पड़ता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि हर सीढ़ी के ऊपर नंबर मेंशन है। तो आई डोंट नो, पहले तो ये था, अब यहाँ पर विजिबल, यहाँ से तो विजिबल नहीं है कि हर सीढ़ी के ऊपर नंबर मेंशन है कि नहीं है। बट पहले क्या था कि जितनी 272 सीढ़ियाँ थी सभी के ऊपर उनके एक से लेके 272 तक नंबर मेंशन थे। तो वो अभी हम जाएंगे कुछ ही समय में ऊपर। और मेन चीज़ इसके अंदर फिर आपको आगे डार्क केव, रामायण केव, वो आई थिंक अभी तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, टूरिस्ट के लिए बंद किए गए हुए हैं ये सारे। आपको सिर्फ मेन टेंपल तक ही एंट्री है और ऊपर जाते हुए आपको कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड वाइल्ड स्पीशीज को देखने को भी मिलती है। समहाउ बैट्स यहाँ पर है, मेरे पीछे आप देख सकते हो मंकीज़ आपको रास्ते में काफ़ी मिलेंगे। अगर आप कुछ खाने का सामान अपने साथ लेके जा रहे हो तो वो हो सकता है आपके छीनने की कोशिश करें, आपको बाइट करें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए जब आप जा रहे हो या बाटू केव्स आ रहे हो। तो बैट्स आपको बहुत देखने को मिलेगी यहाँ पर बिकॉज डार्क केव्स हैं। एंड ये सारी की सारी जितनी फॉर्मेशन है लाइमस्टोन फॉर्मेशन है मेरे पीछे आप देख सकते हो। बहुत इसको बोला जाता है ये 400 million years अगो पुराना ये यहाँ का केव टेम्पल है। तो बहुत पुराना है ये हिस्टोरिकल एंड इसको बोल सकते हो बहुत स्पिरिचुअल। इसके सुनने में ये आया है कि जब आप इसके ऑरा में एंटर करते हो ऊपर मेन टेम्पल में, जब आप एंटर करते हो तो आपका जो एक स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है, वाइब्स बहुत ऊपर चली जाती है। तो लेट्स सी जब हम ऊपर जाएंगे क्या सच में ही ऐसा देखने को मिलेगा या ऐसा फील करने को मिलेगा, वो अब ऊपर जाके ही मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी हम के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट बिकॉज हम ब्रेकफास्ट आज करके नहीं आए थे। और पास ही में यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ से हमने रात को खाना खाया था, KL टावर, उन्हीं की ब्रांच मोगल रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे भी हमें वो मिल गया है। तो अभी हम कुछ यहाँ से लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम चलेंगे उसके बाद ऊपर। और मेरे पीछे बहुत सारे पिजन्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें दाना डालते हैं। तो अगर आप भी आ रहे हो और आप भी उन्हें दाना डालना चाहते हो ज़रूर वहाँ पे डालिए। और अभी हम एंटर करते हुए बाटू केव्स टेम्पल की सीढ़ियों की और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्कीज़ ऑलरेडी
मेरे पीछे वहाँ पे भी आप देख सकते हो मॉन्कीज, एंड यहाँ ऊपर काफ़ी मॉन्कीज चलते हैं, तो ध्यान से रहिएगा, संभल के रहिएगा, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अगर आप यहाँ बाटू केव्स आ रहे हैं तो वुमेंस के लिए या गर्ल्स के लिए शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो आपको आपका फुली बॉटम जो है आपका फुली कवर्ड हो रहना चाहिए, लाइक आपका जैसे आप फुल लेंथ ड्रेस डाल के आ सकते हो या आप सूट डाल के आ सकते हैं, साड़ी डाल सकते हो, लेकिन आपको शॉर्ट्स नहीं अलाउड, सो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये देखिए मेरे पीछे मंकीज, इस साइड भी मंकीज और ऊपर अभी काफ़ी मंकीज, और ये हम सीढ़ियों हम स्टार्ट कर चुके हैं, चलिए चलिए चलिए। और अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और मेरे पीछे आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे व्यू बहुत सुंदर होता जाएगा पीछे, और अभी हम टेंपल की ओर चलते हुए, आई थिंक अभी तक अब नंबरिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो मैंने पढ़ा था कहीं कि पहले हर एक सीढ़ी के ऊपर नंबरिंग इन्होंने दी होती थी, लेकिन अब नंबरिंग तो नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड मेरे को लगता है अभी तक मैं सिर्फ 100 आ गए होंगे हम, नहीं 100 तो नहीं है, मेरे को लग रहा है 72 ही हुई है, 200 पड़ी है अभी भी, नहीं 100 हो गई है, नहीं सो अभी हम बैठे हैं इन बिटवीन हल्की सी सांस लेने के लिए, बिकॉज चल चल के आपकी सांस फूल जाती, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और आपको हल्का हल्का ब्रेक लेना पड़ता है बीच में। चले चलो चलो लेट्स गो, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको चमगादड़ भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इन जगहों पे चमगादड़ों का घर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में आपको चमगादड़ मिलते हैं। अभी हम जहाँ लंकावी जाने वाले हैं वहाँ पर भी बैट केव, स्पेशली वहाँ पर बैट केव्स हैं तो वो देखने लोग जाते हैं, तो डेफिनेटली वो अगर हमें टाइम मिला तो वो भी हम देखने जाएंगे। अभी हम चलते हुए कुछ ही सीढ़ियाँ बची है, मेरे पीछे आप देख सकते हो टेंपल, ओह जस्ट लास्ट स्टेप, ओनली लास्ट स्टेप, अभी बस इतना रह गया और फिर हम पहुँच चुके हैं अपनी, नीचे जाना आसान है। ओह यस, सो फाइनली ये और यहाँ से टेंपल की स्टार्टिंग, और जब एंटर करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा अपने को देखने को मिलता है, कुछ एक आदि सुवेनियर शॉप्स, ये यहाँ पे मुर्गे की आवाज़ कहाँ से आती हुई, वो सामने है, वाह ये कहाँ से आ गया है, और अभी हम चलते हुए टेंपल के अंदर, बहुत सारे पिजन्स यहाँ पर, और ये मेरे पीछे एंट्री पॉइंट, क्या हुआ ये आगे जाने को है,
ये आपका एक टेंपल आया ना अभी, ये फ्रेग्रेंस मज़ेदार, ये बहुत आपको पॉजिटिव करती है, पॉजिटिव आपको लो मोटिवेट, तो मज़ा आ जाता है। फाइनली मेन टेम्पल जिसके लिए लोग बहुत ऊपर आते हैं बाटू केव के लिए, और ये मेन टेम्पल यहाँ का, और ये मेरे पीछे हम पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पर, और बस अभी यहाँ पर देख लिया, अभी नीचे चलेंगे वापस। एक आधा ये सामने भी टेम्पल ही है, बंद है, क्लोज है आई थिंक। नहीं वो टेम्पल नहीं, आई थिंक वो वैसा ही है वहाँ पे, नारद नारद नारद। लॉर्ड मुर्गन, उफ सीढ़ियाँ। अब 272 स्टेप्स आने वाले हैं जो हमें उतर के फिर वापस नीचे जाना है। और अभी हम नीचे जाते हुए आई थिंक ये मेरे पीछे वो रास्ता है जो जाता है रामायण केव और डार्क केव की ओर, लेकिन वो अभी मैंने बोला था कि बंद है टूरिस्ट के लिए, तो वो ये मेरे पीछे पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये दूसरी तरफ केव को लेके चलता है डार्क केव और रामायण केव की ओर। अभी हम वापस पहुंच चुके हैं नीचे, ऑलमोस्ट बस 2, 3, 4, 3, 2, 1 गो एंड हियर वी आर। और फाइनली हम सारा का सारा वो भी उतर के सीढ़ियां नीचे आ चुके हैं। हाँ ठीक ठीक है। तो अभी के लिए हमने पीना है चिल्ड नारियल पानी, ये आपको एक तो हाइड्रेटेड रखता है, दूसरी एनर्जी मिलती है इससे, और एक तो प्यास भी बहुत लगी थी। और अभी हम चलते हुए MRT स्टेशन की ओर, यहाँ पर रैपिड के जो हमारा रैपिड कार्ड था वो यहाँ पे नहीं चलता था, तो उसके लिए हमें अलग से टिकट्स परचेज करनी पड़ी, 3 जनों की मिला के हमें पड़ी है। अब मैं यहाँ पे टोकन डालूँगा पहले, तो ओ टोकन से खुल गया, तो तीनों की मिला के जो पड़ी है वो है 17 रिंगेट। सो अभी हम बैठे हैं मेट्रो में बाटू केव से, और यहाँ से चलती है KTM, बाकी जगह चलती है MRT, LRT, लेकिन यहाँ से चलती है KTM। KTM से हमें जाना है KL सेंट्रल।
अभी हुए हैं शाम के 8 बज रहे हैं और हम निकले हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए एंड अगेन वी आर रेडी एंड टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन कुआलालंपुर, तो अभी हम जितना हो सके उतना इन्जॉय करेंगे। और पैटर्न्स के नीचे तो बहुत रश रहता है और अगर आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है अकेले तो मेरे को लगता है ये बहुत बेस्ट प्लेस है। यहाँ से अभी मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी अकेले की फ़ोटो कैसी आती है। ₹300